चाहे तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, सभी लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलेगा और हमारी जीत से कोई नहीं रोक सकता। नीतीश जी को तीसरी नंबर की पार्टी किसने बनाई? नीतीश जी का दुर्दशा जो अभी है वो किसके वजह से? अगर इसी तरीके से हवा में तीर छोड़ते रहेंगे तो ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। IVTV देखता है इंडिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी को लेकर हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था, तेजस्वी यादव तारापुर में लोगों से जाकर मिले और एक तस्वीर जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें तेजस्वी यादव मछली मारते हुए दिखे थे। अब तेजस्वी यादव तारापुर के बाद कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वह राबड़ी आवास की है, जहां से तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान मीडिया कर्मियों से तेजस्वी यादव की बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में हो रहे दो सीटों पर उपचुनाव में दोनों सीटों पर राजद की जीत होगी। इसी बीच तेजस्वी यादव से मीडिया कर्मियों ने ललन सिंह के बयान को लेकर जब पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी किसने बनाया है और इन लोगों का यही हाल रहा तो ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप भी सुनिए। अरे तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, हम शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि दोनों सीट जो है जनता जो है दोनों जगह की राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेगी और हमें ही राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को ही आशीर्वाद दोनों जगह की जनता, चाहे तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, सभी लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलेगा और हमारी जीत से कोई नहीं रोक सकता। पूरी तरीके से 100% हम कह सकते हैं घूमने के बाद एक जगह और जहां दूसरी जगह आज हम निकल रहे हैं कुशेश्वर स्थान, वहां से भी जो फीडबैक आ रहा है लोगों का भारी उत्साह और सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा है। सब लोग कहते हैं नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार हो गया, ब्लॉक चले जाइए, पुलिस थाना चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, एक योजना जो है सफल नहीं हो पाता, तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है। 19 लाख का वादा किया था जॉब देने का, लेकिन अब तक जो है 1 साल होने जा रहा है, एक जॉब लोगों को जो है नहीं मिल पाया। आज हम गए थे, राष्ट्रपति जी को हमने स्वागत हम लोगों ने किया है, उसमें हम लोग मतलब प्रोटोकॉल में हम लोग गए हुए थे। कल का कार्यक्रम को लेकर के जब से प्रोग्राम घोषित हुआ है तब से ही हमने जो है लगातार सूचना अध्यक्ष महोदय को इसकी दे रखी है और हम लोग तो जान ही रहे, अकेले हम ही हैं घूमने वाले और समय तो है नहीं, तो हमको तो जनता के बीच रहना है, बाकी कार्यक्रम चलता रहे इसकी हम। JDU राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि पहले हालात क्या थे 15 साल पहले, लोग याद दिला रहे हैं कि राबड़ी देवी खुद इस बैठक के आरोप में लगाए जा रहे हैं कि युवराज घूम रहे हैं, युवराज घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं। देखिए कौन क्या कहता है नहीं कहता, जो लोग कहने वाले हैं उनसे पूछना चाहिए कि नीतीश जी को तीसरी नंबर की पार्टी किसने बना ली। नीतीश जी का दुर्दशा जो अभी है वो किसके वजह से है, तो ये पहले अध्ययन तो कर लें। अगर इसी तरीके से हवा में तीर छोड़ते रहेंगे तो ये लोग विलुप्त हो जाएंगे।